नहीं बोला नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए उधर से पासिंग के लिए कौन है चलो अच्छा पीछे जाओ साइलेंस कौन बात कर रहा है भाई नहीं एक सेकंड एक सेकंड और यार रोलिंग डंडा को बंद डंडा है डंडा को झंडा एक्शन कट कॉल द प्रोड्यूसर प्लीज मनीष मने संजय जी कहाँ संजय जी संजय जी कहाँ है संजय जी संजय सर को बोलो संजय सर को तो पार्टी में अरे संजय सर को बोलो इस तरफ आ जाना प्रोड्यूसर किधर है कम प्रोड्यूसर यस सर यही सर सर ऑल ऑफ यू वन मोर आ गए सर जेल में पार्टी है जेल में पार्टी हाँ आओ सर या सर सामी या ऑल ऑफ यू वन मोर या ऑल ऑफ यू ओके अभी हाँ हाँ बात करते हुए जेल से कैसे निकाले कितने पैसे लगेंगे कितना चाहिए वेरी गुड सर वेरी गुड एक ग्रुप फोटो चलिए चलिए दादा सर एक
Group. Last year. Last year. Look here, all of you. Sir, yeah. सर यहाँ देखिए ट्रेन खड़ी हो गई सर सर पे पकड़ो सर यहाँ पे सर यहाँ इधर दिस में बॉस सर यहाँ पे इस तरफ एक सर पोजीशन मैच सेम थिंग राहुल सेम थिंग ओके हाउ आर यू सर लोग यार आगे सॉरी आगे चलो भागो थोड़ा नीचे आओ तीलम थोड़ा तीलम जो भी लोग वहाँ पे एक बार इधर फॉर अपने अपने बाहर आओ ये सॉकेट के केबल ले जाए हाँ सर सॉकेट तो है केबल कर देखो जल्दी आओ बाकी लोगों को भी फोन देना हटो वहाँ से सब लाइट के पीछे जाओ बैठना नहीं पीछे चले जाना वो उधर का कह रही है उसको कोई हाथ पीट को अभी बाहर निकला कैसे मेरे नहीं हाँ पर वो अजीब नहीं कर बस आवाज ये ठीक सही है पल्ला दिख रहा है अभी भी चलो रेडी रेडी क्लैप है पल्ला को इधर बुला अरे अंदर चलो क्लैप है क्लैप लो ताले किधर जा मेरे बाप ताला ताला आ जा ओके चलो रोल क्लैप आउट एंड एक्शन सर राहुल जी सबसे पहले तो बताइए कि इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर जो है एक मजनू का है एक आशिक का है जो अपने प्यार के लिए कोई भी हद क्रॉस कर सकता है आप अपनी दो फिल्मों से चिकन लव शब्द चिकन खुराना और मस्तराम से काफ़ी चर्चा में आ गए इस फिल्म से आपको क्या उम्मीद है इस फिल्म से मेरी उम्मीद है कि मैं जो चर्चा में आया हूँ उस चर्चा के जो हैं पर्चे जो हैं हर जगह बढ़ जाएं इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों नए हैं आपने पहले एस्टैब्लिश लोग के साथ भी काम किया है इनके साथ काम करने में आपको कैसी फीलिंग मिली सी द ओनली थिंग इज दैट इट्स माय प्रोबेबली लक यू विल से दैट आई हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड टू द पीपल हु आर न्यू एंड हु प्रोबेबली वांट टू डू समथिंग रियली व्हिच इज कमिंग फ्रॉम देयर हार्ट सो ऑब्वियसली लाइक Anant is also a first-time director and the producer is also the first-time producer, which is, I think, in a way, which is a probably a good thing for a film because ye log jab judte hain to wo kuch cheez dil se banana chahte hain, wo kuch cheez jo hai dil se kehna chahte hain aur wo mere khayal se hamesha se kaafi appealing hoti hai. Is film se ki shooting kahan kahan ki gayi hai? इस फिल्म की शूटिंग एक्चुअली जो कहानी है वो बनारस में और उसके आसपास के एरिया में बेस्ड है तो जिसके लिए हम बनारस भी गए थे एक महीने का शेड्यूल हमने वहाँ पे कंप्लीट किया है सतारा में हमने कुछ किया है कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई हैं वो लोग हम वाई के आसपास बॉम्बे के आसपास इंटीरियर वगैरह शूट करेंगे इसके म्यूजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए एक्चुअली म्यूजिक जो है मैंने अभी रफ गाने सुने हैं जिसमें से एक गाना हमने बनारस में शूट भी कर लिया है तीन गाने और हैं एक आइटम सॉन्ग है और दो गाने और हैं तो एक अपने आप में इट इज़ अ फुल कंप्लीट एल्बम जिसे मैं बोलूँगा और सारे ही गाने बहुत ही बढ़िया हैं मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म में हूँ लेकिन रोहन एंड रोहन करके हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं दो रोहन हैं बेसिकली तो उन्होंने इसका म्यूजिक किया है एंड इट इज़ माइंड ब्लोइंग सुपर्ब लाइक द यूथ द पीपल हु डिजायर फॉर सोलफुल म्यूजिक आर गोइंग टू लव इट एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपने बनारस में एक महीने फिल्म की शूटिंग की बनारस के लोग फिल्मों के हीरोज के पीछे दीवाना होते हैं और आपने 80 घाट पे शूटिंग की रामनगर का सीन जगह दिखाकर मुगलसराय या रामनगर का लोकेशन दिखाकर आप पब्लिक के बीच में रोड के वो शूट कर रहे थे आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे बहुत मजा आता है एक्चुअली अब क्योंकि शायद मैं थिएटर से आता हूँ तो मुझे लोगों के बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है और खास करके
जब इस तरीके की जगह पर आप जाते हैं जहाँ जैसे कि बनारस है, जहाँ पर लोग वैसे ही बहुत ही शौकीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जिन्हें मज़ा आता है लोगों से बातचीत करने में, तो वहाँ जाके तो मुझे और भी मज़ा आया वहाँ के लोगों से कन्वर्स करने में। एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, जब आप पहुंचे थे तब हमारे मुख्य प्रधानमंत्री कोई और थे और आप वहाँ रहते थे, प्रधानमंत्री कोई और बन गए, क्या फर्क लगा उस उन चंद दिनों का अंतर का? मुझे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उसी टाइम पे पीएम बने थे जब हम वहाँ शूटिंग करने जा रहे थे, तो एक्चुअली मेरा प्लान तो यही था कि मैं 4-5 दिन शूट पे पहले जाना चाहता था, क्योंकि मैं अनाउंसमेंट से पहले वहाँ पर देखना चाहता था कि किस तरीके का रिएक्शन बनारस के लोगों का होगा। बट खैर वो तो नहीं हो पाया, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो एक अजीब सी एक एंथुजियाज़म, एक पॉजिटिविटी थी बनारस के लोगों में, क्योंकि मैं नाई की दुकान पे जाता था बाल वाल कटाने के लिए या शेव कराने के लिए, तो वहाँ पर आपको असली खबरें सुनने को मिलती हैं। तो वहाँ पर जितने भी बनारस के लोग थे, दे वर वेरी एंथू अबाउट द फैक्ट दैट नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द पीएम एंड दैट टू ही हैज़ वन द इलेक्शन फ्रॉम बनारस। सो दे वर लाइक रियली पॉजिटिव अबाउट दैट देर इज समथिंग लाइक रियली गुड हैपनिंग। थैंक यू। आनंद जी, ये आपकी पहली फिल्म है, आप पहले कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरी शुरुआत जो है पहले थिएटर से हुई थी, ठीक है, थिएटर्स के बाद में मैं एड फिल्म में भी गया था, फिर मैंने सीरियल्स में भी एज एन ईडी किया था, एज एन चीफ किया था, एप्लॉस के साथ काम किया है मैंने, फिर मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ भी काम किया है, राइटिंग का काम किया था राश्री में जो विनय मुदगिल है उनके साथ मैंने काम किया था, इंटर्न भी बहुत सारे फेस्टिवल फिल्म किए मैंने, फिर खुद मैंने FMCG एड्स के डायरेक्ट किया एड्स, फिर बाद में ये राइटिंग करते करते फिर एडिट करते करते अभी ये फिल्म डेब्यू मार रहा हूँ मैं। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, इसके बैकग्राउंड के बारे में। इस फिल्म के बारे में देखिए, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं ये टाइम पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि लिए मुझे थोड़ा सरप्राइज देना सबको, क्योंकि लिए फिल्म थोड़ी सी अलग है, हटके। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितना है पूरा पैकेज दे रहा हूँ मैं, और पूरा मसाला फिल्म ही है। आप खुद नए एक डायरेक्टर है, हाँ? और आपका प्रोड्यूसर भी नए है, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? मजा आ रहा है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं अपने क्रिएटिव जितना मैं निकाल सकता हूँ उतना निकाल रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ शूट किया आपने? अभी तक हम लोग ने शूट किया है सातारा शूट किया है, फिर उसके बाद में बनारस शूट किया है, अभी मुंबई, फिर अभी वापस देखते हैं और कहा। कितनी पिक्चर बन चुकी है अब तक? मतलब कितना परसेंट पूरा हो चुका है? मोर देन 70% हो गया हमारा, गाने खाली बाकी हमारे और कुछ सीन्स बाकी है। और कब तक रिलीज करने का प्लान है? रिलीज का जो है अभी अगले साल, मतलब स्टार्ट ऑफ अगले साल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आनंद जेतपाल। मेन बिजनेस क्या है? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन फिल्म लाइन की बहुत चाहत थी, इसीलिए मैं ये नया मूवी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपकी पहली फिल्म है, और नॉर्मली ज़्यादातर लोग, अगर जैसे आप महाराष्ट्रियन हैं तो लोग पहले कोशिश करते हैं कि मराठी फिल्मों से, आपने सीधे हिंदी सब्जेक्ट ही चुना, हिंदी फिल्म ही चुनी, इसके पीछे कोई खास कारण? हिंदी सिनेमा की चाहत सबको है और सबको अच्छी लगती है, मराठी मूवी भी करने का है, लेकिन हिंदी मूवी के लिए अभी कोशिश की है। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली ये बनारस बेस्ड फिल्म है और लव स्टोरी है, इसमें ड्रामास, फाइटिंग, सब बॉलीवुड मूवी है। और इसकी शूटिंग आपने बनारस में भी की है? इसकी शूटिंग बनारस में की, बॉम्बे में की, सातारा में की है। आपकी पहली फिल्म होते हुए भी आपने नए डायरेक्टर आनंद जेतपाल को लिया, इसके पीछे कोई खास वजह? सबको कभी ना कभी शुरुआत तो करनी पड़ती है, आनंद की ये पहली फिल्म है तो उसको एक मौका दिया, तो चलो उसका गुड लक, हमारा गुड लक, साथ एक साथ हो जाए। अभी तक फिल्म 70% बन चुकी है, कैसा फीलिंग आपको हुआ है? जो कुछ भी देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा, कैसा लग रहा है आपको? ये जैसा शूटिंग हो गया वो मोर देन एक्सपेक्टेशन, इतना अच्छा शूटिंग हो गया, काफ़ी अच्छा डिफरेंट लोकेशन पे शूटिंग किया है, और हमारे सिनेमा में लोकेशन अलग अलग लोकेशन का शूटिंग ले लिया है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक।